कई बार जो डांसर लोग होते हैं उनको पैरोडी की जरूरत होती है, जिनको मतलब हर एक सॉन्ग्स का अलग अलग सॉन्ग्स को एक ही सॉन्ग्स बनाना होता है, ऐसे में लोग जाते हैं नेट पे और सर्च करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर पर, उनमें उनको पर्टिकुलर एडिटिंग नहीं मिल पाती है जो वर्चुअल डीजे में मैं आज आपको करके बताऊंगा। पैरोडी का मतलब है अलग अलग सॉन्ग्स को कट कॉपी पेस्ट करके एक सिंगल सॉन्ग्स बनाना, उसको बोलते हैं पैरोडी। तो मैं आपको इसी वर्चुअल डीजे के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम न गवाते हुए। सबसे पहले आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर ऐसा हो जिसमें मतलब आपके जो भी एडिट करने हैं सॉन्ग वो सारे फोल्डर में हो। फोल्डर ओपन करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है सॉन्ग्स को। सॉन्ग्स को सेलेक्ट करने के बाद में इसको बेच पे जाना है, बेच पे जाके आपको एनालाइज टू बीपीएम कर लेना है। इसके बाद में एनालाइज हो जाएगा कि कौन कौन सी बीपीएम की रेंज पे, बीपीएम रेंज मतलब कि लय कौन सा है गाने का, सारे गाने का लय सेम हो जाएगा। इसके बाद में आप सिमिलर नंबर होंगे उनको उठा के टैग पे डाल के प्ले कर देंगे। अभी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैं सॉन्ग्स प्ले करूंगा उसमें आपको मेरी वॉइस सुनाई नहीं देगी। इसके बाद में मैं आपको ये चार डेक कन्वर्ट कर लूँगा। चार डेक कन्वर्ट करते हुए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में सिंपली क्या करेंगे कि पर्टिकुलर जो सिमिलर नंबर है 128 वगैरह, अब देखो बीपीएम शो नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं जाऊंगा लेंथ पे क्लिक करूंगा। अगर आपको शो हो रहा है तो ठीक है, यदि मेरे को शो नहीं हो रहा है तो बीपीएम पे जाके राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये राइट नहीं मतलब सेलेक्ट करूंगा तो ये दिख जाएंगे। इसके बाद में सिंपली जाऊंगा मैं फोर डेक कर दूंगा यहाँ से ऊपर सेटिंग से, ये हो गया चार डेक। इसके बाद में मैं 128 का एक सॉन्ग ले लेता हूँ जो बीपीएम का है। आप अपनी पसंद से अगर पर्टिकुलर वही रखना चाहते हो तो फिर बीपीएम का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद में ये ऑरेंज ये मतलब अपलोड कर दिया। इसके बाद में सेकंड ट्रैक पे ये 128 का दूसरा, और ये दूसरा उठा लिया, और ये एक और इसके ऊपर उठा लिया। इसके बाद में सिंपली कुछ नहीं करना है, उनको प्ले करने से पहले मैं आपको बता दूँगी ये अभी ऑटो प्ले हो रहे हैं, बस मैं स्पेस बार दबा दी, स्पेस बार से प्ले होंगे, स्पेस बार से पोज होंगे, ठीक है। और जो डेक है वो सेलेक्ट होंगे, वो यहाँ नीचे बता रहे हैं ये हेडफोन दिए हुए हैं मतलब कलर का, जैसे कि ये येलो का सेलेक्ट हुआ हुआ है। टैब से ये चेंज हो देंगे, पर्टिकुलर टैब दबाते जाओगे तो चेंज होते जाएंगे। अभी ये मैं सबको एक फिक्स पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे चैट कर देता हूँ कि यहीं से वो सॉन्ग्स प्ले होना चाहिए। तो जैसे कि मैं रेड कलर पे जाऊँगा और रेड कलर के लिए मैं दबाऊंगा टैब, टैब दबाने पे क्या होगा कि वही पर्टिकुलर डेक सेलेक्ट होगा। इसके बाद में मैं पर्टिकुलर उसकी साइज को सेट कर दूंगा जैसे कि आप देख रहे हो। इसके बाद में क्या करना है, सिंपली हर एक डेक को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में जाने के बाद में आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक कर लेंगे। अगर फाइल नेम नहीं लिखा हो तो फाइल नेम लिख के आप जनरेट सिंपली, और ये MP3 का है जो फॉर्मेट सेलेक्ट कर देंगे। ये बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग होती रहेगी, इसको आप कट कर दोगे तो भी, तो मैं इसको सिंपली कट कर देता हूँ। कट करने के बाद में अभी मैं सॉन्ग्स प्ले करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। मैं अल्ट प्लस स्पेस बार दबाऊँगा तो रिमिक्स होगा और अपने आप फेडर सेट चला जाएगा, और डेक से सेलेक्ट करते जाऊँगा। मेन बात ये ध्यान रखिए कि जो जिस साइड ट्रैक में एक ही सॉन्ग्स प्ले होना चाहिए, दोनों ट्रैक है तो क्रॉस ओवर जिस साइड हो। प्ले हो रहा है, इसके बाद में इसको मैं सेकंड पे ले जाऊंगा, सेकंड पे डिप्रेशन वही रहेगा जहाँ पे तक है, ठीक है, जहाँ पे सेट किया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, मैंने कट दिया हुआ है। इसके बाद में अल्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा तो डायरेक्टली फेडर वहाँ चला जाएगा उस साइड में, और जो अपने टैब से सेलेक्ट किया है यहाँ पर, टैब से सेलेक्ट अभी रेड कलर का मैंने कर दिया और ये स्पेस प्लस वो दबा दिया। इसके बाद में अल्ट प्लस स्पेस से दबाने से रिमिक्स हो जाता है अपना। इसके बाद में मेरे को जहाँ तक इसको लेना है, इसके बाद में मैंने ग्रीन कलर का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ऊपर वाला है जो ये देखो आ गया। इसके बाद में मैं येलो कलर का सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो कलर को कहाँ तक रखा हुआ है, येलो कलर सेलेक्ट करने के लिए टैब प्रेस किया। इसके बाद में अल्ट प्लस शिफ्ट दबा, शिफ्ट सॉरी नहीं स्पेस बार दबा दूँगा, स्पेस बार दबाते ही ये क्रॉस फेडर अपने आप सेट चला जाएगा और ट्रैक प्ले हो जाएगा, सिंपली वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसके बाद में जाएंगे मैं रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में जाने के बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग कितनी हुई, रिकॉर्डिंग हो गई है काफ़ी। इसके बाद में इसको स्टॉप कर दिया, और जो MP3 फॉर्मेट में है वो आप
अपने फोल्डर में जाके पर्टिकुलर MP3 ये देखो पैरोडी 1-2-3 लिखा था, ये प्ले कर सकते हो सिंपली। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।